Zombie Apocalypse. दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल रैंडम व्यूज़ में। और आज का वीडियो इस बारे में है कि हम जियो जियो फाइबर के प्लान्स के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नए प्लान्स आए हैं, अगर आपको पता नहीं है तो जियो फाइबर ने हाल फिलहाल में ये नए प्लान्स लॉन्च किए हैं अपने, जिसमें उसने कुछ प्राइसेस चेंज किए हुए और एक नया सेगमेंट ज्वाइन किया जिसमें नए प्लान्स के 30 Mbps के स्पीड से दे रहे हैं और ट्रायल ऑफर भी चल रहा 30 डेज का। तो मैं बताता हूँ, जैसे जियो की वेबसाइट में हम गए हैं और जियो जियो फाइबर में क्लिक किया हमने तो देख सकते हैं फ्री 30 डेज ट्रायल दे रहे हैं। इस ट्रायल में आपको स्पीड मिलेगी 150 Mbps की और अनलिमिटेड बोल रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं 30 डेज़ के लिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है इनकी स्पीड और सर्विस तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। ये बिना कोई क्वेश्चन किए आपको जितना भी आपने अमाउंट पे किया था वो रिटर्न कर देंगे। और मैं इसके बारे में, इसके साथ आपको OTT प्लेटफॉर्म्स में भी बहुत सारे ऐप्स के सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं 100 Mbps एक महीने के लिए 150 Mbps की स्पीड से। और साथ में बहुत सारा सेटअप बॉक्स भी दे रहे हैं 4K का और आपको एक राउटर तो मिलेगा उसमें, अनलिमिटेड इन वॉइस भी है इसमें इस प्लान के अंडर में। तो आप 1500 रुपये मान लो अगर भरते हो तो उसको 1500 रुपये में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट और 150 Mbps की स्पीड पे मिलेगा। तो चलिए प्लान्स को चेकआउट करते हैं। मैंने प्लान्स में क्लिक जैसे किया तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में फिर से 30 डेज़ का ट्रायल पैक आ रहा। तो यहाँ देख सकते हैं 30 डेज़ के ट्रायल में हमें दो मोड्स मिलते हैं, एक 1500 रुपये वाला, एक 2500 रुपये वाला। 2500 रुपये वाले में आपको मॉडेम के साथ आपको 4K का सेटअप बॉक्स मिल रहा है, जबकि 1500 रुपये वाले में सिर्फ आपको मॉडेम दिया जा रहा है। और इसमें 1500 रुपये वाले में सिर्फ प्लेन और सिंपल इंटरनेट है, इसमें आपको OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन भी नहीं दी जा रही है। और दोनों में ही वॉइस अनलिमिटेड है और आपका 100 Mbps का ट्रूली अनलिमिटेड, मतलब 150 Mbps का अपलोड स्पीड मिलेगा और 150 Mbps का डाउनलोड स्पीड भी मिलेगा। और इंटरनेट की कोई रेंज लिमिट नहीं है कैपिंग की, जो कि देखने में लग रहा है कैपिंग नहीं किया इन लोगों ने। इसके बाद जैसे कि नीचे आएंगे तो प्लान्स में बहुत सारे प्लान्स हैं। एक नया प्लान भी है 399 का, जो कि आपको 470 रुपये में पड़ेगा GST जोड़ के। अभी भी इन लोगों ने GST इसमें ऐड किया नहीं है। उसमें 30 Mbps के हिसाब से आपको इंटरनेट मिलेगा, जो कि आप अगर बजट लो है और आपको 100 Mbps की स्पीड की ज़रूरत भी नहीं है तो आप वो ले सकते हो। मेरा जो प्लान है वो सिल्वर प्लान है, जो कि 699 का है, यानी कि वो 824 रुपीज़ पर मंथ का है 100 Mbps अपलोड स्पीड और 100 Mbps डाउनलोड स्पीड के हिसाब से मिलता है। और इसमें भी दोनों में, इन दोनों प्लेटफॉर्म में OTT नहीं मिल दे रहे सब्सक्रिप्शन, यानी कि वो 150 Mbps के जो कनेक्शन है उससे ही आपको OTT प्लेटफॉर्म का कनेक्शन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको OTT प्लेटफॉर्म्स के नहीं देखना है और आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए तो फिर आप 899 और 699 वाला जो प्लान है वो बुक करके आराम से आप चला सकते हैं। इसके बाद ये सिमेट्रिक बार बार बोल रहे हैं। सिमेट्रिक मतलब होता है कि आपको दोनों की अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड दोनों बराबर मिलेगी। तो चलिए चेक करेंगे हम स्पीड टेस्ट में कि हमें मिल रही है कि नहीं दोनों की बराबर स्पीड, और उसमें हम डिसाइड करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ क्या प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रोज में ये है कि आपको स्पीड अच्छी मिलेगी और आप अगर होम यूज़र हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपन जितने 22 डिवाइसेस ऐड करो और चलाओ। अब मैं स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। इन लोगों ने यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। मान लो अगर आप यूट्यूबर हो और वीडियो अपलोड करते हो तो आपको जो पहले 10 Mbps का जो स्पीड अपलोड स्पीड कैप था वो उन्होंने हटा दिया है। और जैसे कि देख सकते हो पिंग के साथ अभी ये दे रहे हैं 85 Mbps को मेरे को मिल रहा है अभी कनेक्शन, और अपलोड स्पीड भी बहुत अच्छी मुझे मिल रही है। मुझे अभी तो कोई कंप्लेन नहीं है अपलोड स्पीड को लेके। अगर आप गेमर हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इनका नेट टाइप स्ट्रिक्ट है। जी हाँ, इनका नेट टाइप स्ट्रिक्ट होने की वजह से आपको कनेक्टिविटी का इशू आ सकता है, पिंग का इशू आ सकता है। और जैसे कि देख सकते हैं 94 Mbps की स्पीड से आपको वो चल रहा है अपलोड स्पीड। ये उकला के द्वारा है, आप अगर दूसरे वेबसाइट को ट्रस्ट करते हैं तो आप दूसरे वेबसाइट में भी इसको चेकआउट कर सकते हैं।
अगर मान लो कि आपको प्लान पसंद आता तो बुक नाउ वहीं नीचे से भी बुक हो जाता, या फिर आप ऊपर में राइट क्लिक में करके बुक नाउ करेंगे, यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे OTP जनरेट होगा। OTP जनरेट होने के बाद जब आप उसमें OTP डालेंगे उसके बाद आपका एड्रेस लिया जाएगा, तो आप इसमें एड्रेस अपना डाल दें। मैंने सारा चीज़ स्किप कर दिया। जब आप इतना सारा कर लेंगे उसके बाद ये आपका कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, और मोबाइल में भी आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, थैंक्स यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन जियो फाइबर। तो इसके बाद जब भी उनको टाइम मिलेगा या फिर आपके लोकेलिटी में वो कनेक्शन अवेलेबल होगा तो आपको जाके कनेक्शन लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट डाउन करें कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा इस वीडियो पे और क्या अच्छा लगा। और जियो फाइबर ने अभी नए प्लान्स तो लॉन्च किए हैं, अभी देखते हैं, मेरे को भी देखना है कि ये ट्रूली अनलिमिटेड प्लान्स में कितना सच है, क्या ये 1000 GB के ऊपर देते हैं हमें इंटरनेट कनेक्शन या नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा। मेरे को अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, 100 Mbps अच्छे से चल रही है, मेरे को मिल रही है स्पीड अच्छी, और थोड़ा बहुत पिंग का इशू होता है गेम के टाइम पे, तो वो तो जियो के साथ हमेशा का है क्योंकि नेट टाइप स्ट्रिक्ट है। और अगर आप स्टूडेंट हो, अगर घर से आप काम करते हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लान रहेगा 399 वाला, एक सिंगल पेरेंट के लिए भी वही सही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।